Hello everyone, welcome to VSL Academy. So, you all are curious about the JAC model question paper released. So, have a look towards it. First question hai, filiform apparatus are present in, then answer will be synergids. और फिलीफॉर्म अपराटस है क्या, तो एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स है जो माइक्रोप्लेयर टिप पे होता है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ फार इच बेस पेयर इज फॉर्म द नेक्स्ट वन इन डबल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, देन आंसर वुड बी 3.4 नैनोमीटर. थर्ड, एम्बाइक डेंसिट्री और एम्बियासिस इज कॉज्ड बाय, देन आंसर वुड बी एंटा अमीबा का हिस्टोलाइटिका. नेक्स्ट, इमिडिएटली आफ्टर ओवल्यूशन द मैमिलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज कोरोना रेडिएटा. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, देन आंसर वुड बी डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लोटाइड ट्राइफॉस्फेट. इंस्टेड ऑफ इट, इफ इट वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो आंसर होता है डीएनए पोलीमराइज इंजाइम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस डैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज इन मलेरियल फीवर, देन आंसर वुड बी हीमोजोइन. हीमोजोइन क्या है, यह है रप्चर ऑफ आरबीसी. सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ डीएनए. पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, जिसके आगे या पीछे दोनों से सेम आना चाहिए, जैसे कि वर्ड मलयालम. वैसे जिसको पता होगा पैलिंड्रोमिक का मतलब, तो वो आंसर इजली कर सकता है. सो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इधर से देखे या इधर से दोनों का सेम ही होता है. एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म. ऑप्शन ए माइक्रोजिया लिविंग ऑन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बी सी एनोइन ऑफन फाउंड ऑन द सेल ऑफ हर्मिट क्रैब, सी वास्प पॉलिनेटिक फिग इन्फ्रोस्किन्स. सो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सारे के सारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक दूसरे के साथ फॉर्म करते हैं, सो ये सारे म्यूचुअलिज्म एग्जिबिट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय सीवेज. सो इसका आंसर होगा ए. वैसे सीड्स क्या होता है, सीड्स होता है लिक्विड मटेरियल, जैसे ट्यूमर सॉलिड मास होता है बॉडी में, वैसे ही सीड्स होता है लिक्विड मटेरियल बॉडी में बैक्टीरिया ये सब का. सो इसका आंसर होगा ए. 10, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, सो इसका आंसर होगा ए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, और एस्ट्रोजन जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है. 11, द फीमेल गैमेटोटाइप ऑफ अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, सो इसका आंसर होगा बी 7-celled. यहाँ पे न्यूक्लिएट का भी ऑप्शन दे सकता था, तो होता 7-celled 8-nucleate. 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट ग्रोस, देन आंसर वुड बी डी, क्योंकि एक हेटरोजाइगस होगा और एक रिसेसिव, जो कि इसमें देखे तो डी ही कहता है. 13, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कोडॉन्स विच रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस. सो आंसर वुड बी UAA, UAG, UGA, इसका मतलब ऑप्शन ए. नेक्स्ट, एस इज डायगोनाइज्ड बाय, सो एलिसा होगा. 15, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ये क्वेश्चन सेंट्रल डॉगमा पे बेस्ड है, और सेंट्रल डॉगमा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है.
level of which hormones get elevated by the intake of nicotine. So answer would be D, adrenaline or noradrenaline. 17. The polymerase chain reaction is a technique used for which of the following? So answer would be A, amplification of DNA जो कि 3 step में होता है, और 3 steps है denaturation, annealing and polymerization जो कि 1 marks question में आता है. यहाँ पे word का interpretation करके question अलग पूछ लिया है. 18. Organisms that can maintain a constant internal temperature are cold as. So answer would be B, homeothermic. और इसका example हम लोग है वी द ह्यूमन beings. वैसे mammals भी हैं. 19. Compressed natural gas CNG is तो methane. 20. A couple has a 6 daughters which what is the possibility of having a girl next time. सो इसका आंसर होगा 50. ये बिल्कुल नहीं मैटर करता है कि द नेक्स्ट बोर्न चाइल्ड क्या हो सकता है, अगर पिछला चाइल्ड ये है तो हमेशा 50% ही पॉसिबिलिटी होगा, आदर इट इज़ फॉर बॉय और इट इज़ फॉर गर्ल. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स. सो 21. लॉ ऑफ सेग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज. सो होगा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. केमिकली आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए. इन रेस्टिकेशन इंडो न्यूक्लियस कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट. बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन. यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ लेग्स. इन ह्यूमन बॉडी पैरासाइट ऑफ मलेरिया इनिशियली मल्टीप्लाइज विद इन द लिवर सेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 28 है राइट द नेम ऑफ 2 diseases caused by viruses. वायरस से बहुत सारे डिजीज होते हैं और इनमें से हैं इबोला, स्मॉल पेक्स, रूबेला, हंटा वायरस और कोविड 19 भी, जो कि आप लोग मेंशन कर सकते हैं. 29 है एक्सपैंड BAC विच इज स्टैंड फॉर ब्लड अल्कोहल कंटेंट एट्स अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे गए हैं, चाहे वो जीन थेरेपी हो, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन. इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे ए है ओवरी, बी है फैलोपियन ट्यूब और सी है एंडोमेट्रियम. ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, इसमें से स्पर्मेटोजेनेसिस और डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें डायग्रामिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जैक बोर्ड में और कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो एक सेशन हम लोग डायग्राम का भी लगाएंगे जो इम्पोर्टेंट डायग्राम होगा. सो स्टे कनेक्टेड विथ अस. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.